आज हिमाचल एक्सप्रेस की टीम ऊना में बारिश से हुए लहासों का जायजा लेने के लिए निकली हुई थी। जैसे ही हमारी टीम लेक व्यू पॉइंट बटसर लठियानी के बीच पहुंची, आज हिमाचल एक्सप्रेस की तरफ से हम यहां पहुंचे हैं। ये ऊना भुट्टा मार्ग जो कि कल रात से ही पूरी तरह बंद है, और यह मार्ग यहाँ पे जो कि हमीरपुर और ऊना के मध्य पड़ता है, ऊना और हमीरपुर बिलासपुर के लिए ही रोड जाता है, जो कि कल रात से पूरी तरह बंद है। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे कल रात से ही SP, SDM और DC ऊना लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे कतारों की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें वाहनों की आगे लगी हैं, और आगे बिल्कुल ही मार्ग बंद है। आगे आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे इस रोड की पूरी, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ जाना था, आप कहाँ से चले हैं और कहाँ जाना है? हम त्रिकोड़ी से चले हैं जी, और धर्मपुर जाना। धर्मपुर जाना है, तो आप अभी पैदल चले हुए हैं, क्या बात है, क्या ऐसी बात होगी? सर रोड प्रॉब्लम है यहाँ पे। कितनी के पहाड़ गिर गया, बहुत पहाड़ गिर रखा है। तो आपको बस ने कहाँ उतारा? बस ने वहीं उतारा हूँ। तो वहाँ से आप पैदल आ रहे हैं? तो कितनी सवारियाँ हैं उस बस में? बहुत ही सवारियाँ तो आ रही है, और भी आ रही है, 200 होंगे लोग। हाँ जी, देखें कि भुट्टा और जो लठियानी का मार्ग जो बीच रास्ते में बंद था, उसमें प्रशासन ने पूरे जोर से JCBs लगा रखी है, काम पूरे जोर से रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। आते भी जैसे ही JCB काम कर रही है, वैसे भी ऊपर से जिन जगहों में रास्ता बंद है वहां पे प्रशासन लगा हुआ है JCB के माध्यम से। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और फोटो अपने कैमरे के जरिए आपको और तस्वीरें। तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस को मरीज हमीरपुर से PGI लेकर जा रही थी, लेकिन लहासे पड़ने के कारण ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था, जिसको लेकर एम्बुलेंस के कर्मचारी ने इस सारी स्थिति का जायजा लिया। और जब उसे पता चला कि अभी रास्ता खुलने में समय लगेगा, तो इसने इसकी जानकारी अपने हेडक्वार्टर को दी, जिस पर जिला ऊना के बंगाणा ने अपनी दूसरी एम्बुलेंस दूसरी जगह से मरीज को लेने के लिए भेज दी। लेकिन दूसरी तरफ से एम्बुलेंस तो आई, लेकिन वहां से भी रास्ता बंद पड़ा हुआ था और गाड़ी मरीज तक नहीं पहुंच पाई। इस सारी स्थिति को देखते हुए हिमाचल एक्सप्रेस की टीम के सदस्यों ने उस मरीज को स्ट्रेचर पर उठाकर दूसरी तरफ ले जाने का फैसला लिया, और हिमाचल एक्सप्रेस की टीम के सदस्यों ने गारे और चट्टानों से गुजरकर उस मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आपको बता दें, इस मरीज से एम्बुलेंस की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, और मरीज की हालत ब्रेन हेमरेज के कारण काफी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन हिमाचल एक्सप्रेस की टीम के सदस्यों ने हार नहीं मानी और उस मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचा के ही दम लिया। जब इस बारे में DC ऊना राकेश प्रजापति को इस कार्य के बारे में पता चला, तो उन्होंने हिमाचल एक्सप्रेस की टीम की सराहना की है। पेशेंट तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो कुछ लोगों ने पेशेंट को लगभग 2-2.5 किलोमीटर के करीब उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया है। ऐसे ऐसी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब बंगाणा से एक्सप्रेस के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।